नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर के प्रमुख खबरों की तरफ। सरकार द्वारा दी जा रही सहूलियतों के बाद भी एक गांव ऐसा है जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भी दर दर ठोकरें खा रहे हैं। इस भरी गर्मी में भी कीचड़ भरा हुआ है, जिससे आप सोच सकते हैं कि बारिशों में यहाँ क्या हाल होता होगा। वहीं मोटर लगी है पानी की, लेकिन नहीं है लाइट कनेक्शन। प्रधानमंत्री आवास के लिए भी गरीबों को दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं दबंग और पैसे वाले लोगों को यहाँ कुटीर मिल चुकी है। आधार कार्ड हो या बीपीएल कार्ड, हर चीज के लिए लगता है यहाँ पैसा। उसके बाद भी गारंटी नहीं कि आपका काम हो ही जाए। हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित हनुमान मुंड्रा गांव की, जहां के लोग दर दर भटक रहे हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के सरपंच ही हर काम को करने के लिए मांगते हैं पैसा और निश्चित नहीं कि उसका काम हो जाए। हर काम करने के लिए एक अलग ही राशि निश्चित की गई है। इतना ही नहीं, गांव में होने वाले कार्यों में जिसमें ग्रामीणों की मदद ली जाती है, लेकिन पैसा उन्हें नहीं दिया जाता। पैसा जाता है सरपंच और उनके रिश्तेदारों के खाते में। यह कहना है इस गांव के रहवासियों का। जब हमारी टीम इस गांव में पहुंची तो गांव की दुर्दशा देखकर हम समझ में नहीं आ रहा था कि हम शुरुआत कहां से करें। रोडें बनी हुई हैं लेकिन कीचड़ से सनी हुई हैं। वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखिए, ग्राम मुंड्रा में आप यहां पे जनता किस किधर परेशान है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि सरपंच की और सचिव और अधिकारियों की मिली भगत से अभी तक यहां कोई रोड नहीं डाली गई है। और अभी कुछ क्षण, कितने महीने पहले ये सड़क डाली थी? ये कितने दिन पहले ये सड़क डाली थी? एक साल पहले आरसीसी कागजों में आरसीसी थी। ग्रामीणों ने हमें बताया कि कुछ माह पूर्व एक नाली का निर्माण कार्य किया गया था जो कि 400 मीटर लंबी थी, जिसमें से केवल 200 मीटर का ही पैसा इन ग्रामीणों को मिला है। आलम यह है कि मजदूरी का पैसा भी गांव वालों को अपनी जेब से चुकाना पड़ रहा है। हमने नाली बनाई थी यहाँ पर। कौन सी जगह बनाई थी आपने? नाली जहाँ स्कूल से और हाई स्कूल है ना। हाँ जी, मतलब हाई स्कूल तक पूरा नहीं था। हाँ, 400 मीटर नाली बनाई थी। 400 मीटर बनाई थी, तो उसमें से आधे रुपए तो हमको 200 मीटर के मिल गए। हाँ, 200 मीटर के रुपए नहीं दिए, लेबर के भी दे रहे हैं। हाँ, हमारे भी दे रहे हैं, हम जाते हैं लेने। हाँ, तो कहता है आएंगे जब देंगे। कौन कहता है? सरपंच ना, सेक्रेटरी सिंह ने, सेक्रेटरी दोनों, सेक्रेटरी और सरपंच। अच्छा, सब बोलते हैं कि आएगा जब देंगे। और उसने कई बार रुपए भी अड़ा के खा ले, कई बार बोला कि हम तुमको दे देंगे 20,000 दे देंगे, लेकिन नहीं देता, वो झूठ बोल जाता है। कौन ने निकाल के खा गए पैसे? सरपंच ने, सेक्रेटरी। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम है रंगलाल। और सेक्रेटरी का क्या नाम है? अमर सिंह। अमर सिंह नाम है। और एक का बिरमा। एक का बिरमा, वो बिरमा। और यहाँ पे ड्यूटी पे आते हैं या नहीं? अमर सिंह नहीं आता। नहीं आता, सभी आता है। अच्छा, पंचायत कुछ आते हैं, तारीख अधिकारी जब आते हैं। जब आते हैं, वैसे आते ही नहीं है यहाँ। नहीं आते, नहीं आते। तो आपका कितने दिनों का पेमेंट रुका हुआ है? कम से कम हमारे 6 महीने हो गए, 6 महीने से रुपए नहीं दे रहा है। तो क्या कहते हैं? कहता है कि आएंगे जब देंगे। आएंगे जब देंगे, जज बोलता है कि पेमेंट ही नहीं निकल रहा। पेमेंट ही नहीं निकल रहा, तो आप पहली नाली का पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? दे ही नहीं रहे सर, मतलब हमने बहुत बार बोल दिया लेकिन वो देते ही नहीं है। देते ही नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच रंगलाल से कोई काम कराने जाओ तो उससे पहले वे मांगते हैं पैसा। और यह भी बताया गया है कि सरपंच अपने घर वालों में रिश्तेदारों के नाम से सरकारी खातों से पैसा भी निकाल लेते हैं। और हमने जो काम किया था, न कारीगरों के खाते में पैसा आया, न लेबर वालों, उसने घर वालों के ही खाते दिए थे। उसके ही घर वालों के, उनके ही घर वालों के दिए, सरपंच के घर वालों, और कुछ उसके पड़ोसी के दिए थे। अच्छा, हमारे खाते में अभी एक भी रुपया नहीं आया। और लेबर का पेमेंट उनके ही खातों में डलवा लिया, उसके रिश्तेदारों में और घर वालों के में। और दिखाने खाना पूर्ति कागजों में करके के लेबर ने पेमेंट कर दिया। कर लिया। अच्छा, लेबर को हमने दिए हैं दूसरे का काम कर करके। अच्छा, अभी भी लेबर के रुपए रुक रहे हैं। अच्छा, मैक्चर वाले का भी हमने ही दिया था। अच्छा,
और सरपंच ने 1 रुपया नहीं दिया। नहीं नहीं दिया सर, 2 2 हजार रुपए दे, 2 2 हजार रुपए दे, तभी तो दे देता है, 10 हो जाते हैं लेबर के, जब 2 हजार देता है उनको। अच्छा हम ले आते हैं कुछ में, सर्वे नहीं आते कभी, सभी पर हम इधर उधर से काम करके और दे देते हैं उन्हें, फिर नाली का काम चला पूरे होने के बाद नहीं देता, फिर ये कहता है आएंगे जब देंगे। किसके पैसे ले लिए? पेंशन भी नहीं मिल रही ना इनके कार्ड है कुछ। अच्छा जी, कितने पैसे लिए आपसे? 3 हजार। 3 हजार कौन से लिए? किसको? आपसे लिए? सरपंच दाए। सरपंच दिए। आपका क्या नाम है? नहीं बता, आपको नाम? मेरा नाम रामकली। रामकली भाई है। किस चीज के पैसे दिए थे आपने उसको? मैंने गरीब देखा कि परमानेंट के दाए थे और मेरे पेंशन के दाए थे। अच्छा, कितने पैसे दिए थे? 3 हजार। 3 हजार रुपए दिए। तो आपने उनसे बोला नहीं कि मेरा बना के? नहीं, ऊपर से ही नहीं आ रही। अच्छा, ऊपर से ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा माता जी, आपकी क्या है, आप बताएं। अब बता जी, कछु नहीं है मेरे हाथ में, तो कछु भी नहीं है। अच्छा जी, पेंशन भी नहीं बंदी है? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब भाई। गुलाब भाई है। अच्छा, तो आपकी लेटरिंगों का क्या हुआ? आधे रुपए दिए और आधे दिए ही नहीं। अच्छा, कोई पता नहीं है। साथ ही इस गांव में कुटीर केवल उन्हीं लोगों की है, या तो वो दबंग हो या फिर सरपंच के खास। ये बस पैसे नहीं मिल रहे हमारे, पैसे नहीं मिल रहा है ना किसी मंगला, ना कुटी भी आई, हमारी भी कुटी नहीं आई, हम पे तो जम जमीन भी नहीं है। बीपीएल का एक भी एक थोड़ी सी जमीन भी नहीं, घर ही घर है हम पे सरपंच। अच्छा, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। और ये कुटी और कौन कौन की यहाँ पे आई है? उसकी आई, किसकी? उसकी, सरपंच की भी आ गई परिवार में, औरों को भी। सरपंच की कितनी आई है कुटी? 4 कुटी आई है सरपंच के घर की। और यहाँ और लोगों की कुटियाँ नहीं आई है? आई है लेकिन कम, तो एक एक दो दो आई है। अच्छा, और गरीबों की नहीं है? लेकिन गरीबों की नहीं है, उसके पास जमीन है उसकी आ गई। अच्छा, हमारे में जो बहुत गरीब है उनकी नहीं आई, उनकी भी नहीं आई है, जमीन भी कम है, जब भी नहीं आई। अच्छा, और जमीन वालों की है? 15-15 बीघा वालों की भी कुटी आ गई। 15-15 बीघा वालों की भी कुटिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा, इन सब बातों को लेकर जब हमने गांव के सचिव अमर सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि गांव में बहुत सारे काम हुए हैं। साथ ही बातों ही बातों में उन्होंने यह भी कह दिया कि सरपंच पैसा लेता है, इस बात की सूचना उन्हें पहले से है। हालांकि सचिव ने यह बात अपनी दबी जुबान से भी कही कि सरपंच अपने परिजनों के नाम से उनके खातों में पैसे भी निकलवाते हैं। समझ नहीं आता कि कहां एक और राज्य सरकार साफ सफाई एवं स्वच्छता के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया केवल विज्ञापनों पर खर्च कर देती है, पर इस गांव में स्वच्छता नाम की कोई चीज ही नहीं। न जाने कब इन गांव के ग्रामवासियों को मिलेगा अपना हक, जिससे ये अपनी मूलभूत सुविधाएं कम से कम वो तो जुटा पाए। मुंड्रा हनुमान से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। मधुसूदनगढ़ में हमें देखने को मिला हमारी खबर का असर। मधुसूदनगढ़ से जंजाली सड़क मार्ग बहुत ही बुरी हालत में था, जिसके कारण वहां आए दिन होती थी दुर्घटनाएं। इस बात को लेकर मधुसूदनगढ़ की जनता ने बहुत संघर्ष किया, जिसके चलते अब प्रशासन की नींद खुल गई है। हाल ही में हुई एक और सड़क दुर्घटना के बाद, जिसमें एक लड़की की मौत के बाद, मीडिया ने इस मामले को बहुत अच्छी तरह से उछाला था, जिसके बाद जंजाली मधुसूदनगढ़ सड़क मार्ग खराब होने की खबर प्रमुखता से दिखाई जाने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया, और आनंद फानंद में प्रशासन ने अब मकसूदगढ़ जंजाली सड़क पर मरम्मत का कार्य भी शुरू करवा दिया है। हालांकि सड़क मरम्मत का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, अब देखना यह होगा कि जंजाली मधुसूदनगढ़ सड़क की मरम्मत का काम कब तक पूरा होता है, या बारिशों में इस बार फिर राहगीरों को वही मुसीबतें उठानी पड़ेंगी, यह तो आने वाला दिन ही बताएगा। फिलहाल जंजाली मधुसूदनगढ़ की मरम्मत का काम तो शुरू हो गया है, जिसके कारण लोगों ने चैन की सांस ली है। मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। कलेक्टर विजय दत्ता ने ली अपनी पहली समीक्षा बैठक। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन आज किया गया, जिसमें नवीन कलेक्टर विजय दत्ता ने अपने अनुभव सभी लोगों के साथ साझा किए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कार्यशैली के बारे में भी सभी लोगों को बताया। साथ ही ये हिदायत भी दी गई कि अच्छे से काम करें, ताकि किसी की किसी भी तरह की कोई शिकायत सुनने को ना मिले। काम तभी बढ़ता है जब पीछे जगह का अधिकारी गलत कर दूं,
तो आईजी साहब और कमिश्नर साहब को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पहली पहला जिला है, तो अभी एग्जाम चल रहा है, तो कमिश्नर साहब जैसे आएंगे क्योंकि उनको लगता है कि हमें सुझाव की जरूरत है, तो आ रहे हैं और उससे बहुत हमें फायदा होगा, हम सीखेंगे कि जेल का कार्यक्रम कैसे करना है। लेकिन हमारे लिए कलेक्टर 3 दिन हुई, आप लोगों के लिए आपके तहसील और सब डिविजन से मिलने और जैसे कलेक्टर डबरा कलेक्टर कॉलेज से मिलने आए, वही प्रिंसिपल मेरा है, यही सोच में है। जब तक आप सुझाव नहीं पूछोगे तो हम सुझाव नहीं देंगे, जब तक आप जरूरत नहीं बताओगे नहीं देंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपको पूछना नहीं, आपका काम कम कर प्रोफेशनल जाए न्यू डेप्यूटी कलेक्टर, जैसे वो प्रोफेशनल है हमारे लिए कलेक्टर भी प्रोफेशनल, हम 4-5 लोगों को छोड़ के बाकी सब आप लोग मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो वैसे ही अपना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जिसमें किसानों का भला हो और किसानों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसको पलीता लगाते खुद प्रशासन के लोग। सरकार की मंशा थी कि किसानों के पास मैसेज आ जाया करेंगे जिससे कि उन्हें पता चल जाएगा कि किस तारीख को उन्हें अपना फसल को बेचने के लिए मंडी पहुंचना है। लोगों के पास मैसेज आना तो शुरू हो गए, लेकिन आज देखने को मिला ऐसा वाक्या जो हमें भी दंग कर गया। किसानों को मैसेज मिले कि उन्हें 21 तारीख को अपनी फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचना है, लेकिन जब वो मंडी पहुंचते हैं और अपना मैसेज वहां बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर को दिखाते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं कि उनका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। अरे भाई साहब, कोई बड़े मोबाइल को देखो यार, पूरा आवे जा मधुर अधूरा रहा, जा में आ रहा हूं। कौन के मोबाइल पे में था दादा? मैं कल के मोबाइल ले कड़वा। जब हमने इस बारे में किसानों से बात की तो उन्होंने अपनी आपबीती हमें बताई। किसानों ने बताया कि किस तरह से वे अपनी फसल को लेकर किराया खर्च करके गुना तक आए, उसके बाद भी यहाँ आज फसल नहीं बिक पा रही है, जिसका कारण बताया गया कंप्यूटर में उनका नाम ना होना। अभी चैनल आए थे किराया से भर के, जो कथिए मैसेज आ गया तो मोबाइल में, मोबाइल में यहाँ बताने की आयु नहीं, वाम नहीं आ रहा कंप्यूटर में नहीं आ रहा। हाँ वाम नहीं आ रहा, जहाँ आ रहा बताओ नहीं तो। मैं सब चना लेके आया हूँ और मेरे मोबाइल पर ये मैसेज भी आया है इनका चना लाने के लिए, और ये कह रहे हैं चना आप लेके भी आए हैं और यहाँ पे साइड नहीं चल रही, और 2 रोज तक अगर आपका चना नहीं तोला और बाद में मैसेज ने कंप्यूटर ने अपलोड नहीं लिया इसको तो कोई गारंटी नहीं है। तो फिर इसमें आप क्या करेंगे आप लोग? सब ये गलत है ना साहब, SMS आ गया और ये नहीं तोल रहा है इसको। हालांकि जब इस बारे में हमने वहां बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर से बात की तो उन्होंने बताया कि सर्वर काम नहीं कर रहा है। अब सर्वर जब तक काम नहीं करेगा तब तक किसी भी काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता, भले उसके लिए किसान कितना भी परेशान हो जाए। किसानों का नंबर दे दो मुझे। कौन के मोबाइल पे में था दादा? मैं कल के। इसका कारण ये है, ये इन किसानों को भोपाल से SMS तो आ गए हैं और SMS आती है पूरे टोटल भोपाल से, और जब इनके SMS आ गए लेकिन ढोलबा सोसाइटी हमारे सिस्टम पर नहीं दिखा रही है, किसी कारणवश भोपाल से ही इसमें प्रॉब्लम है। अगर तारीख निकल गई है तो भोपाल से जिन लोगों का रह जाता है या सिस्टम में ऊपर से प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए वो 1-2 दिन बढ़ाते हैं। इनको बोला है कि नहीं बोला भैया? हाँ राइट कर लीजिए, आज क्यों नहीं चल रही? अरे भाई साहब ये कैसा क्वेश्चन कर रहे हो आप? नहीं चल रही, चल रही इसका हमारे पास ऑपरेटर के पास कभी कोई जवाब नहीं होता है, इसका तो अब सवाल ही नहीं है, ये तो सवाल ही गलत है। सवाल साइड चलेगी हम काम करेंगे, साइड नहीं चलेगी कोई आगे काम नहीं कर सकता, चाहे हम हो या कोई भी नेट से जुड़ने वाला हो। डिजिटल इंडिया के लिए हम बढ़ तो रहे हैं लेकिन कब बनेगा डिजिटल इंडिया, क्योंकि यहाँ पर परेशान रहता है हमेशा सर्वर, कभी सर्वर नहीं मिलता ATMO का, कभी किसान परेशान होते हैं सर्वर को लेके, ना जाने कब इस सर्वर की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आलम यह है कि किसान यहां परेशान खड़ा हुआ है, सुबह से शाम हो गई, अब किसान वापस घर जाएगा तो उसका पैसा लगेगा, यदि गुना रुकता है तो उसके खान पीन का हिसाब कौन देगा, ना जाने कब इन किसानों की यानी हमारे अन्नदाताओं की मुसीबतें थमेंगी। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के आने की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से हैं, जिसका जायजा लेने आज पहुंचे कमिश्नर।
कमिश्नर ने यहाँ गुना पहुंच के महामहिम की आने की तैयारियों का जायजा लिया एवं हर चीज को बारीकी से अध्ययन किया। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए। कुछ ही दिनों बाद हमारे महामहिम राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुना दौरा है। इसमें किसी भी तरह की कोई चूक ना हो जाए, इसलिए प्रशासन हर कदम फूक फूक कर रखने को तैयार है। इंस्पेक्टर बना नहीं कोई नहीं। आरटीओ कहाँ है? डीटीओ डीएफओ साहब है और इससे कोई है? किससे छुट्टी लेने गए हैं? किससे छुट्टी लेके गए आप? ऐसा कर दिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, इस तरह जिले के अधिकारी अगर बिना छुट्टी के चले जाएंगे और ढूंढने का पता लगेगा ये कौन सा संविधान पड़ा पड़ता है, तो कुछ दीजिए ना, उसके बाद जब आप छुट्टी में चला नहीं उसके क्या कार्रवाई करेंगे मुझे भी। और आप उन्हें सुनिए, आप उनको इमीडिएट खबर करिए कि बिना अनुमति आप गए हैं, तत्काल वापस आइए और शाम तक रिपोर्ट करिए कलेक्टर साहब, हमें जरूरत है कुछ भी है नहीं नहीं आपको निलंबित अपने आपको निलंबित समझें। ट्रेनों में अपनी सीट को रोकने के लिए यात्री किसी भी हद तक अपना जोखिम उठाते नजर आते हैं। यह नजारा गुना रेलवे स्टेशन पर आम है, जहां यात्री अपनी सीट रोकने के लिए पुल का उपयोग न करते हुए सीधे रेलवे ट्रैक को ही पार कर देते हैं। हालांकि इस मामले में रेलवे प्रशासन ने कई बार चालानी कार्रवाई की है, लेकिन उसके बाद भी यात्री समझते नहीं, वो फिर भी ट्रैक से ही पार करते हैं। शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है रेलवे प्रशासन। ना जाने कब सुधरेंगे लोग और कब सुधारेंगे रेलवे के प्रशासन इन लोगों को। क्यों नहीं खड़े कर देते वहां पर कुछ ऐसे आरक्षक या जवान जो इन लोगों को ट्रैक पार करने से रोक सकें। डीजियाना में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।